आपके सामने। कोई नहीं हो? बढ़िया जी आप हैं। बढ़िया जी है। बंद हुए मैम। नॉट रियली बिकॉज सी जो फेम होता है फॉर मी पर्सनली इट यू नो इट्स मोर ऑफ अ इनर थिंग देन अ आउटर थिंग यू रियली नीड टू बैलेंस इट बिकॉज आफ्टर यू गेट फेम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू नो यू गेट डिसबैलेंस्ड एंड आई डोंट नो आई थिंक माई फ्रेंड्स कीप मी ग्राउंडेड And for me, really, my work matters more than fame. Yeah. Thank you so much. Please go ahead and have a pleasant evening and tell us something what happened here. Sure. Thank you. नमस्ते जी कैसे हैं आप थैंक यू गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल टू जी ठीक है अच्छा थैंक यू माई ड्रेस फॉर टुनाइट ये बहुत ही लास्ट मिनट चॉइस था ये आउटफिट आप इतना सीरियसली सुन रहे हैं मेरे बातों को ड्रेस के बारे में बात करिए कोई राजनीति चीज़ के बारे में बात नहीं करी लेकिन हाँ बहुत ही कम वक्त में हमने ये ड्रेस को डिसाइड किया था और वाइट मेरा पसंदीदा कलर है और आज का थीम शायद मोनोक्रोम है तो उसके हिसाब से मैंने ये ड्रेस को चुना है थैंक यू जी जी देखिए हर एक्टर के लिए फेम कहीं ना कहीं तो मायने रखता है लेकिन यू नो ये समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी फेम मैंने हासिल की है ये मुझे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरे फैमिली के ज़रिए भी मिली है और उसके बाद जो मैंने फिल्म की उसके बाद जो और भी फेम आया था उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और देखिए बचपन से मैंने कहीं ना कहीं फेम देखा है तो मेरी ज़िंदगी में हार्डवर्क काम और एक्टिंग और फिल्म ज़्यादा मायने रखती है नहीं नहीं मैं कौन होती हूँ स्वागत करने के लिए लेकिन मैं एक ऑडियंस के नज़रिए से मैं इतनी एक्साइटेड थी इस फिल्म के लिए ट्रेलर सारे गाने पिक्चर्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं और हाँ मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कुछ
सुबह नॉट रिक्वायर्ड अरे नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने बहुत अलसे अभी क्या कहूँ मैं उनके बारे में वो एक इतनी हुनेहार और गुणी कलाकार है कि ये हमारी खुशकिस्मत है कि हम उनको उनका काम देखने का मौका मिल रहा है हमें उनसे सीखने का मौका मिल रहा है हमें इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ और यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि हमें उनका और काम देखने का मौका मिलेगा अलाउड नहीं होंगे सॉरी मैं सिर्फ सोचती हूँ कि परिकर जी राजनीति में एक मिसाल के तौर पे एक रोल मॉडल थे उनकी जो सिंप्लिसिटी अभ्यास आईआईटी के स्टूडेंट होने के नाते उनका अभ्यास हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था लेकिन उनकी सरलता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं कोई तामझाम नहीं और सिर्फ सिंप्लिसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना लाइन में खड़ा रहना ये एक विजुअल है
जो बहुत सारे नेता में आज देखने नहीं मिलते हैं। मैं मानती हूँ कि आते हुए पीढ़ी के लिए उनका योगदान ना सिर्फ गोवा के लिए लेकिन पूरे देश के लिए प्रशंसाजनक है।